आज हम बात करेंगे सीओपीडी, जो लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके बारे में। जो सीओपीडी बीमारी है, बेसिकली ये लंग्स को ही अफेक्ट करती है, जैसा कि नाम ही काफ़ी है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़। इसमें प्राइमरीली एयरवे, जो सांस की नलियाँ हैं, वही अफेक्ट होती हैं। और इसमें हम लोग इसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के नाम से जानते हैं। प्राइमरीली ये बीमारी सांस की नलियों की है। ऐसा नहीं है कि केवल ये लंग्स को ही प्रभावित करती है, और दूसरे ऑर्गन सिस्टम्स को भी अफेक्ट करती है, शरीर के दूसरे अंगों को भी ये बीमारी प्रभावित करती है। जो स्मोकिंग, काफ़ी हैवी स्मोकर्स हैं, उससे रिलेटेड डिजीज़ प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं केवल स्मोकिंग ही इसके लिए एक रिस्क फैक्टर है। जो पेशेंट इंडोर आउटडोर पोल्यूशन भी एक ज़्यादा में रहते हैं, उनमें भी ये सीओपीडी डेवलप होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आजकल हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि इंडोर आउटडोर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी पुअर है, तो ये सब रिस्क फैक्टर सीओपीडी डेवलपमेंट के लिए होते हैं। और जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, वो भी जो लॉन्ग स्टैंडिंग अस्थमेटिक्स हैं, जो कि प्राइमरी अनकंट्रोल्ड अस्थमेटिक्स हैं, उनमें भी जो ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़, जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ प्राइमरीली जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, जो कि रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होते हैं। ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। जो इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि ये बीमारी कंट्रोल में रहे या पैदा नहीं हो, तो हम लोगों को स्मोकिंग क्विट करनी चाहिए। जो भी स्मोकर्स हैं, जो इंडोर आउटडोर डस्ट बेसिकली एक्सपोजर, पुअर क्वालिटी ऑफ एयर इंडेक्स को एक्सपोज होते हैं, तो ऐसे एक्सपोजर को अवॉइड करना है, संतुलित आहार लेना है। और जो लॉन्ग स्टैंडिंग अस्थमेटिक्स हैं, उनको मेडिकेशंस टाइमली, जो भी डॉक्टर्स के द्वारा जो टाइमली मेडिकेशंस प्रेस्क्राइब्ड हैं, वो लेनी है, और रेगुलर चेकअप करवाते रहना है। इसके अलावा इस बीमारी को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जो डॉक्टर्स के इमीडिएटली, जिसको भी प्राइमरीली लॉन्ग स्टैंडिंग खांसी का प्रॉब्लम है या चलने फिरने पर सांस फूलती है, तो एक अच्छे चेस्ट फिजिशियन को इसके लिए दिखाना चाहिए, तुरंत उससे कंसल्टेशन लेनी चाहिए। और जब ये बीमारी डायग्नोस हो, तो उसके लिए प्राइमरीली जो डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब ट्रीटमेंट है, उसको टाइमली मेडिकेशंस लें, और रेगुलर उसके फॉलोअप में बने रहें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, संतुलित आहार लें, और इंडोर और आउटडोर जो पोल्यूशन है उसको अवॉइड करें।